नमस्कार दोस्तों, तो आज हम गट्टे की सब्जी बनाने वाले जो कि राजस्थान में लोकप्रिय है। गट्टे की सब्जी आप आसानी से नरम गट्टे बना लेंगे जो खाते ही मुंह में घुलने लगेंगे। गट्टे की सब्जी बनाने में थोड़ा समय और प्रयास तो लगता है, पर वास्तव में यह इतनी स्वादिष्ट और मसालेदार होती है कि खाने वाला स्वाद की हमेशा याद रखता है। हमें बिना दही के गट्टे की सब्जी बनाना है। यह सब्जी को आप फुलका, रोटी, चावल के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार लगती है। हम एक बाउल लेंगे, बाउल में एक कटोरी भर कर हमें बेसन डालना है। आप देख सकते हो इस तरह से हमें बेसन डालना है। बेसन में हम नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर के बाद धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, सफ़ेद तिल, ये सब चीज़ें हमें उसमें ऐड करना है। अब हमने कस्तूरी मेथी ऐड की है। गट्टे के स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें सफ़ेद तिल रहती है, वो यूज करना है। वो हम उसमें जाएगा सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल के बाद हम उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट डालने के बाद हम उसमें घी डालेंगे। घी से क्या होगा, उसमें सॉफ्टनेस आएगा। ये सब सारी चीज़ें हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। इस तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें उसमें हरा धनिया ऐड करना है। इस तरह से हम उसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब चीज़ें हमें एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर लेनी है। हम इसमें दही नहीं ऐड करेंगे। दही के बदले में हम उसमें खाने का सोडा ऐड करेंगे। अब हमें बेसन के आटे में एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटा गूंध लेना है। हमें आटे में थोड़ा पानी डाल के ही गूंदना है। अगर ज़्यादा पानी डाल दिया तो चिपचिपा हो जाएगा। 15 मिनट के उसके ढक के रख देंगे। हम तड़का लगाने के लिए ड्राई मसाला लेंगे। मैं इसमें जीरा, दालचीनी, लवंग, बड़ी शेप, कारी मिरी, तेजपान, लाल मिर्च इस तरह से लेना है। 15 मिनट के बाद हमें आटे में थोड़ा सा घी डाल के उसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। इस तरह से हमें उसको चिकना बना लेना है। आटे को अच्छे से गूंदने के बाद हमें उसकी लोई बनानी। इस तरह से हमें लंबे आकार में उसकी लोई बना लेनी है। बेसन के आटे के लोई को राजस्थान में गट्टे बोलते हैं। सकते हो इस तरह से हमें चिकना लोई बना लेना है। बचे हुए आटे का भी उसी तरह से हमें लोई बना लेना है। और आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ी खुशी देता है। अगर बेसन के आटे का अलग आकार में कुछ बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। को बेसन के आटे में दही डालना हो तो आप दही भी डाल सकते हो, पूरा ऑप्शनल है। आप देख सकते हो हमने पूरे आटे का लंबे आकार में गट्टे बना लिए हैं। अब हम इसको एक बाउल लेंगे। पर धीमी आंच पे हमें बाउल रखना है। उसमें हमें पानी ऐड करना है। पानी थोड़ा सा गर्म होते ही हमें उसमें ये जो हमने गट्टे बनाए हैं वो ऐड करने हैं। इस तरह से हमें एक एक करके गट्टे डाल देना है। गट्टे आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है और मेहमान आ जाए तो आप ये सब्जी को भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब इस गट्टे को हमें पकने के लिए रख देना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई पे हमने जो तुम्हें मसाला, ड्राई मसाला दिखाया था वो ऐड करेंगे। जैसे कि दालचीनी, जीरा, लवंग, बड़ी शेप, काली मिरी, तेजपान और लाल मिर्ची हमें ऐड करनी है और अच्छे से उनको भून लेना है। गैस को धीमी आँच ही रखा है क्योंकि हमने फास्ट गैस रख दिया तो वो जल जाता है। अब हम उसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। इस तरह से हमें कटा हुआ प्याज ऐड करना है और अच्छे से भून लेना है। अब हमें धीमी आंच करके प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। तो हमें अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। इस तरह से हमें प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद हमें उसमें टमाटर ऐड करना है और टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है। टमाटर डालने के बाद हमें उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इस तरह से हमें उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें प्याज और टमाटर को सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लेना है। हमें प्याज और टमाटर को ग्राइंड नहीं करना है, लेकिन आपको अगर ग्राइंड करना हो तो आप कर सकते हो। आपको जल्दी जल्दी सब्जी बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। हमें इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड करना है।
एक टेबलस्पून हमें गरम मसाला ऐड करना है। हरा धनिया ऐड करके हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। हमें इन मसाले को थोड़ा ऑयल छूटने तक अच्छे से भून लेना है। आप देख सकते हो हमारा वो प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम उसमें पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ा चाहिए तो कम पानी डालिए, अगर आपको पतला चाहिए तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिए। हम उसमें उबले हुए गट्टे डालते हैं तब वो ग्रेवी गाढ़ा बन जाता है। जो साइड में गट्टे जो हमने बॉईल करने रखे थे वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। आप देख सकते हो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। उबले हुए गट्टे का पानी हमें फेंकना नहीं, अगर आपको ग्रेवी में पानी और लगेगा तो ये पानी ऐड कर देना है। बेसन के गट्टे थोड़े ठंडा होने के बाद हम इस तरह से उनको काट लेंगे और हमने जो ग्रेवी बनाई थी उसमें हम ऐड कर देंगे। इस तरह से हमें उसको ऐड कर देना है। ऊपर से हरा धनिया ये हमें मिक्स कर देना है। ऊपर से हमें स्वादानुसार नमक ऐड कर देना है। इस तरह से हमें नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे उबाल आएगा वैसी वो ग्रेवी गाढ़ी बनेगी। ढक्कन रखने के बाद हमें थोड़ी देर पका लेना है। इस तरह से हमारी गट्टे की सब्जी तो रेडी हो चुकी है और गाढ़ी भी हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी स्वादिष्ट बनी है। देर में ठंडा होने के बाद हमें गट्टे के सब्जी को अलग कटोरी में निकाल लेना है। आप देख सकते हो हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी थी। गट्टे के सब्जी का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट था। इस तरह से हमें अलग कटोरी में गट्टे के सब्जी को निकाल लेना है। अगर आपको बेसन खाना पसंद नहीं हो तो आप इस सब्जी में आलू भी ऐड कर सकते हो, गट्टे की जगह आलू भी डाल सकते हो। इस तरह से हमारी बहुत ही टेस्टी ऐसी गट्टे की सब्जी बन चुकी है जो कि राजस्थान में बहुत फेमस होती है। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।